नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में PMIS के नाम से भी जानते हैं, PMIS क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं और क्या एडवांटेजेस होती हैं, तो आज के वीडियो में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है इसके बारे में समझेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब और होता क्या है। तो दोस्तों, व्हाट इज PMIS? PMIS मींस द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ टेक्निक। मींस PMIS एक ऐसी तकनीकी या ऐसा टूल है जो उपयोग किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। प्रोजेक्ट का मतलब है कि जैसे कोई मल्टी बिल्डिंग बन रही है, यदि हम प्रोजेक्ट की बात करें सिविल इंजीनियरिंग में, तो मल्टी कोई आपकी बिल्डिंग बन रही है, कोई आपका मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो का जो वर्क चल रहा है यह एक प्रोजेक्ट है। अब मेट्रो का वर्क हमारा लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स से रनिंग में है, चल रहा है, तो इतने लंबे समय तक मीन्स ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो यहां पे जो टूल या टेक्निक है वो हमारा PMIS का उपयोग किया जाता है। इन जगहों पे जो बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर के हों या गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू हों, तो इट इज नॉट लिमिटेड ओनली सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व टू एनी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी इंडस्ट्री में वी यूज PMIS, मीन्स हम इसको कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो मीन्स नाउ ए डेज मेनी PMIS अवेलेबल इन द मार्केट। आजकल बाजार में कई प्रकार के PMIS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं टू मैनेज एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट डाटा, जो किसी भी प्रोजेक्ट के डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। इस डेटा की सहायता से प्रोजेक्ट मैनेजर्स ओवरसी दीज एरिया एंड प्रोवाइड क्वालिटी गाइडेंस टू देयर टीम मेंबर्स। मीन्स ये जो हमारा PMIS है, इस PMIS के थ्रू जो मैनेजर होता है वो ओवरऑल इस पे फोकस करता है, इसको ऑब्जर्व करता है, और जिसके कारण मैनेजर्स अपने टीम मेंबर्स के लिए क्वालिटी ऑफ वर्क करने के लिए गाइड करता है, गाइडेंस करता है। कहने का मतलब है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको अपने प्रोजेक्ट से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। हमको इससे नहीं पूछना कि भैया हम सुपरवाइजर से पूछ रहे हैं, हम इससे पूछ रहे हैं, भाई ये रिस्पॉन्सिबल वो रिस्पॉन्सिबल, नहीं। जो होल सोल मैनेजर होगा उस प्रोजेक्ट का, उसके पास PMIS टेक्निक या टूल के थ्रू सारी जानकारी उपलब्ध होगी और इस जानकारी के बेसिस पे वो क्वालिटी ऑफ गाइडेंस अपने टीम मेंबर को दे पाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मींस किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित हो, चाहे वो आपका सिविल से संबंधित हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट जहां पे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा हो, तो वो प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम किसी एक एरिया में एक टेक्निक टूल या सॉफ्टवेयर के थ्रू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके एकत्रित करके रखते हैं, और इस डेटा को स्टडी करते हुए हम अपने टीम मेंबर्स या इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी सदस्यों को क्वालिटी ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक, नाउ फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं? तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि यहां डायग्राम डायग्राम के साथ साथ इसको वन बाय वन पॉइंट के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले क्या इसकी विशेषताएं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की सबसे पहली जो विशेषता है,
फीचर्स है वो है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। पीएमआईएस का उपयोग करके हम किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इसका एक टाइम टेबल बना सकते हैं, एक हम समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। एक एप्रोक्सीमेट समय आप बता सकते हो कि भाई 6 महीने में हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो मीन्स जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होगी, उस प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त जानकारी होगी, सभी टीम मेंबर्स की इंफॉर्मेशन होगी किसको क्या वर्क असाइन किया है या करने वाले हैं, तो इसकी प्लानिंग करने के लिए साथ ही इसका शेड्यूल बनाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो टूल है ये काफी उपयोगी साबित हुआ है। सेकंड है बजट एंड एस्टिमेशंस। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो तो किसी भी प्रोजेक्ट पर जो भी मैनेजर होगा, जो भी मैनेजमेंट होगा, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट लेगा या वर्क करेगा, तो उसको भाई बजट भी देखना पड़ेगा कि खर्चा कितना आएगा और उसको एस्टिमेशंस भी बनाना पड़ेगा कि कहां कहां पे कितना कितना और अतिरिक्त ऐड हो सकता है। तो मींस यदि हमारे पास पीएमआईएस सॉफ्टवेयर है तो पीएमआईएस सॉफ्टवेयर में सारी जानकारी हम पहले स्टोर कर लेंगे, डेटा को कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को एनालिसिस करके हम बजट एंड एस्टिमेशंस बता सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इतना खर्चा आएगा। थर्ड पॉइंट है रिसोर्स एंड प्रोक्योरमेंट, मींस रिसोर्स। अब हम इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस उपलब्ध हैं और किस किस रिसोर्सेस की हमारे लिए आवश्यकता पड़ने वाली है। भाई आप मेट्रो बना रहे हो तो आपको भाई किस किस की रिसोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, आपको जेसीबी भी चाहिए पड़ेगी, आपको क्रेन भी चाहिए पड़ेगी, आपको मटेरियल भी चाहिए पड़ेगा, आपको लेबर भी चाहिए पड़ेगी, तो दीज आर द रिसोर्सेस। सिमिलर एनी प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड रिसोर्सेस फॉर कंप्लीटिंग देम। तो रिसोर्स एंड प्रोक्योरमेंट के बारे में भी हम एक अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं जब हमारे पास पीएमआईएस टेक्निक या टूल उपलब्ध हो। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, साथ ही दोस्तों इसके साथ हम प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को भी इससे आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है उसका परफॉर्मेंस क्या है। हमने जो ड्यूरेशन फिक्स किए, जो शेड्यूल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा काम परफॉर्म हो रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं डिले हो रहा है, ऐसा तो नहीं 6 महीने का टाइम दिया हुआ है, 6 की जगह 1 साल में कंप्लीट ना हो पाए। तो मींस इस सॉफ्टवेयर टूल की मदद से हम प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को स्मूथली इवैल्यूएट कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन बाय द यूज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल वी easily communicate to every person that involved to this project। Means इस सॉफ्टवेयर, इस टूल की सहायता से हमारे जो प्रोजेक्ट से संबंधित जितने भी लोग होते हैं उनको हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज स्मूथली डिलीवर्ड कर सकते हैं। कोई भी आके अपने उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर जितने जुड़े हुए हैं मेंबर्स या जो डेटा है उसको देखकर स्टडी करके पता कर सकता है कि आज के लिए हमारे लिए क्या मैसेज है। एंड प्रोग्रेस रिपोर्टिंग मींस हमारा जो प्रोग्रेस कितनी है उसकी रिपोर्ट वगैरह भी आसानी से मैनेजर्स के लिए उपलब्ध हो जाती है, जिससे मैनेजर रीड करने के बाद उसके आगे का डिसीजंस लेता है कि आगे अब हमको किस प्रकार से वर्क को परफॉर्म करना है, अपने टास्क को कंप्लीट करना है। ठीक, नाउ एडवांटेजेस ऑफ पीएमएस। इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि बेटर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। इससे हमारा टीम वर्क है वो बहुत अच्छा होता है, सुधार होता है, कहीं कोई मिस कम्युनिकेशन नहीं होता है, मिस गैप नहीं होता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरीथिंग मींस इस टेक्निक की सहायता से हम कोई भी रिकॉर्ड को आसानी से डेटा को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं प्रत्येक चीज को। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज मींस पीएमआईएस के थ्रू इसमें डिसीजन लेने में क्या होती है, आसानी होती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज मींस क्षमताएं होती हैं जिसके थ्रू हम क्या है डिसीजंस को आसानी से ले सकते हैं। मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट एट अ टाइम
मींस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, मेथड के थ्रू, हम एक समय में एक से अधिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैनेज कर सकते हैं। एक खासियत होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस PMIS के अंदर, कि हम भाई एक साथ, जैसे कि हमने भोपाल मेट्रो का प्रोजेक्ट का काम ले लिया, इसके बाद हमने इंदौर मेट्रो का प्रोजेक्ट का काम ले लिया, या सपोज हमने यहाँ पे सागर मेट्रो का काम ले लिया, तो हम एक साथ एक से अधिक प्रोजेक्ट को, यदि PMIS उपलब्ध है तो इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जो एक मैनेजर होगा, हेड होगा, वो स्मूथली तीनों जगह के प्रोजेक्ट को आसानी से मैनेज कर पाएगा। इंप्रूविंग प्रोजेक्ट प्लानिंग मीन्स इससे हमारे किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग को इंप्रूव करने में भी सहायता मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से संबंधित एक छोटा सा ओवरव्यू। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।